हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, यह है एग्रीकल्चर के सेक्टर का। अगर आप देखें, आपके मतलब सुबह से लेके शाम तक क्या मेन रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी की, खाना। खाना कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से, डेफिनेटली एग्रीकल्चर से। और इवन दवाइयाँ अगर है, सब कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ये मान के चलिए। लेकिन एग्रीकल्चर की जो आजकल डायरेक्शन है, काम करने का तरीका है, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। बड़ी बड़ी खेतियाँ हुआ करती थी, आजकल लोग दूसरे तरीके से, मतलब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो अगर आप इस शेयर को देखोगे तो आपको लगेगा दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। समझो कैसे, मतलब ये डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कि ये नहीं कि सब कुछ उगा रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली इन्वॉल्व है टू द फॉर द न्यू टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर। तो चलिए बात करते हैं शेयर के बारे में, छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, ये कंपनी कोई और नहीं, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड है। जैन इरिगेशन सिस्टम मेजरली, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर कैसे, तो कई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ये इरिगेशन के लिए। अब आज के टाइम में पानी बहुत कम हो चुका है, आप ये देखिए ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो जैन इरिगेशन सिस्टम का काम क्या है, ये नई नई टेक्निक्स, एग्रीकल्चर की टेक्निक्स लेकर आ रहा है। जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की बात करें, और खेतों में जो पीबीसी पाइप्स, एचडीपी पाइप्स, प्लास्टिक सीड्स, एग्रो प्रोसेस्ड फूड, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, टिश्यू कल्चर प्लांट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चरल इनपुट्स के। पिछले 35 साल से काम कर रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा डिमांड में रहने वाला है ये शेयर। आप खुद देखिए और समझिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, समझिए। माइक्रो इरीगेशन सिस्टम मतलब छोटी छोटी पाइप्स जा रही है, उनमें बस दिन भर हल्का हल्का ड्रॉपलेट्स जाती रहती हैं पानी की, ताकि वाटर भी आपका सेव हो और आपके प्लांट्स को भी, और जो एग्रीकल्चरल आपने जो भी चीज़ बोई है उसको अच्छे से वहाँ पे सिंचाई भी हो पाए। तो उस डायरेक्शन में काम कर रहा, तो बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। और उन लेवल्स पे जिन लेवल, जो इसके बाइंग लेवल हैं, वहाँ पे अभी ये बिल्कुल मौजूद है, मतलब कि खरीदारी का अच्छा मौका दिख रहा है इस शेयर में। तो देखते हैं, चलिए फंडामेंटल्स जानते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 3500 करोड़ का है, करंट प्राइस 65-66 रुपीज़ के अराउंड है। पी रेशियो देखिए 12 का है, मतलब अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक अभी। देखिए पी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 5.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 9.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 5.5%। ये देखिए इक्विटी कितनी है, 5.5%, और कैपिटल एम्प्लॉयड 9.5%। सेल्स ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 9% है पिछले 3 साल के एवरेज, बढ़िया कहूँगा मैं इसको। अर्निंग पर शेयर देखिए, इस प्राइस के हिसाब से अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ के अराउंड। लेकिन जो इसमें नेगेटिव बात वो ये है, ऑल दो इतना इसमें डेट है कि 4-4.5 हज़ार करोड़ के अराउंड का डेट है, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव फैक्टर आ जाता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर डेट है। लेकिन जिस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, उस पॉजिटिवनेस को देख के ये डेट थोड़ा हल्का पड़ता है। डिविडेंड यील्ड भी 1.53% है, मतलब डिविडेंड भी अच्छा देता है। चलिए ये सब तो ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए, अगर आप इस शेयर को देखो, 2014 से अब तक कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे गया, लेकिन इसकी असली जो डिमांड जोन बनती है, लोग जो इसको खरीदना स्टार्ट करते हैं, वो खरीदते हैं ये 50-55 से लेके 62-63 की रेंज में। अभी उसी रेंज के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, हल्का सा ऊपर जरूर गया, उसी रेंज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मतलब ये एक बहुत बढ़िया एक डिमांड जोन बन गया यहाँ पे, ये रेंज जो है 55 से 65 की रेंज है, जो उसी के अराउंड ये अभी चल रहा है। और जो निचला स्तर है, मतलब और गिरावट अगर आ सकती है इसमें, तो वो है 45-46-47 की रेंज में, 47 रुपीज़ की रेंज है, और नीचे गिरावट आके तो इस लेवल पर भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया है। और आप सोच रहे हो कि भाई एंट्री तो ले ली, एग्जिट कहां पे लिया जा सकता है? तो जो टेक्निकल बता रहे हैं, तो पहला एग्जिट है 90 रुपीज़ का, सेकंड एग्जिट लेवल है वो 110 के लेवल पे है स्टॉक का। तो चलिए, और अगर हम जैन इरिगेशन का बोनस देखते हैं, तो 2011 में एक बार बोनस भी दिया है और डिविडेंड भी दिया है कई बार इस शेयर ने, मतलब डिविडेंड देखिए आप टाइम टू टाइम पे करता रहता है। देखिए 2018 में भी 1 रुपये का डिविडेंड दिया, 2017 में 75 पैसे का देता है, लगातार डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है। और एक पॉजिटिव न्यूज में इसमें जो दिखाता हूँ, देखिए फिच ने जैन इरिगेशन सिस्टम को पॉजिटिव आउटलुक का रेटिंग दी है, बी पॉजिटिव की रेटिंग दी है, जो कि बहुत बढ़िया मानी गई है। भैया पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है रेटिंग एजेंसी को, और तो ये काफ़ी पॉजिटिव है JISL जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्यूचर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, फ्यूचर शेयर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।